जनपद संभल के चंदोसी में सपा कार्यकर्ताओं ने राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया। आज समाजवादी पार्टी के प्रेरणा स्रोत राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए। इसी अवसर पर जनपद संभल के चंदोसी में स्टेशन रोड पर स्थित पंजाबी धर्मशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी, जिला महासचिव कृष्ण मुरारी संकधार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और राम मनोहर लोहिया के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा, क्या सपा के कार्यकर्ताओं ने राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए शपथ ली है? आज संबल जिला समाजवादी पार्टी माननीय राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर चंदोसी में उन्हें उनकी याद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुष्प अर्पित कर उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हीं के बताए रास्तों पर चलने का काम करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी शुरू से ही जो हम समाज को लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता रहे हैं, उनका हमेशा मार्गदर्शन कराने के लिए युवाओं को और जनता के लिए उनका हमेशा पुण्यतिथि मनाने का काम करती है और पार्टी संकल्प लेती है और कार्यकर्ताओं से कहती है कि उनके बताए रास्तों पर चलें। जिस जिस समय देश संकट में आया, चाहे आपातकाल हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, समाजवादियों की भूमिका सबसे प्रबल और सबसे अधिक ताकत में इस देश को नया इतिहास रचने का काम करने में रही है। आज उत्तर प्रदेश और देश के हालात देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हमारे प्रखर नेता आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी, कल हमने जयश्री जयप्रकाश नारायण जी की, उससे पहले कपूरी ठाकुर जी की भी हम पुण्यतिथि मनाते हैं और हम ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमारे वो सारे नेता देश को कुर्बान हुए हैं, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो पूंजीपति कभी नहीं रहे। उन्होंने समाज को ये आईना दिखाया कि समाजवाद जब ही देश में लागू होगा जब लोग एक दूसरे से। आज समाजवादी पार्टी के प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्योंकि ये दौर ऐसा दौर है जब प्रदेश में और केंद्र में सांप्रदायिक ताकतें सत्तारूढ़ हैं और हमारे उन प्रेरणा स्रोत जो महान चिंतक थे, उन्होंने तमाम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, उन्होंने मठाधीशों के खिलाफ जो सत्ता के मदोस में जो लोकतंत्र को भूल जाते हैं, इस देश के संविधान को भूल जाते हैं, उन तमाम ताकतों को खाड़ फेंकने का काम किया। उनके खिलाफ जब जंग गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए शुरू की थी, आज वही संकल्प हम लेकर पुण्यतिथि पर माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, और इस संकल्प के साथ भी कि तमाम देश और प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतें जो गरीबों, मजलूमों की, अगलों की, पिछड़ों की, दलितों की, जो हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नहीं, आज जो हमारे आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी का जो पुण्यतिथि है, उसको मनाने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोग आज यहाँ पर चंदोसी के अंदर इकट्ठा हुए हैं और उनकी पुण्यतिथि हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं।